misala. मसाला जो है हमारा फ्राई हो चुका है, मसाला हमारा भुनाई हो चुका है, इसी तरीके मैंने मिक्स कर लिए हैं, तो इसे दम पे लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ना अपना पानी छोड़ेंगे, फिर उसमें जो है कुछ नरम हो जाएंगे, फिर देखेंगे अगर साफ हैं कोई तो और पानी डालेंगे और ये जो है बन जाएंगे। अगर देखेंगे ये अपने ही पानी में जो है ये नरम हो गए हैं, गल गए हैं, तो ही नहीं डालेंगे। तो वैसे भी इनका पानी जो होता है ना वो थोड़ा जो है अपना छोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज का जो व्लॉग है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरे चैनल का नाम है साहिबा विलेज, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, 11 का टाइम है, तो मैं लगी हूँ सब्जी काटने और मिस्त्रियों के लिए बनाना है दोपहर का खाना। तो सालन बनाऊंगी और रोटी जो है वो तंदूर से ले आएंगे। तो अभी जो है कद्दू काटते हैं और फिर जो है मिसाले काटेंगे सब। असलम खान भी वो गए हुए हैं बहावलपुर, तो वो भी आज इंशाल्लाह शाम तक आ जाएंगे। और कल जो है गए थे तो यहाँ से जाते हुए हमारी गाड़ी जो है वो हो गई थी ख़राब, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है कि वो घर तक पहुँच गए। तो वहाँ पर जो है जाकर फिर देखा तो उनकी जो गाड़ी की बैटरी होती है विच जो जिसके साथ लाइटें बलती हैं और कुछ सब क्या इशारे बलते हैं, तो वो भी बिल्कुल बंद हो गए थे, नहीं जा रहे थे, तो वो जो है ख़राब हो गई थी। अभी वो बनवाने के लिए वहीं शहर गए हुए हैं, वो बनवाएंगे। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही बनेगी गाड़ी, जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे, तो इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना होंगे। असलम खान से और मुखलस भाई और मेरी बाजी जो है वो कुछ दिन वहीं पर रहेंगे, वो नहीं आएंगे, तो असलम खान अकेला आएगा। तो अल्लाह पाक उनको खैर खैर लेकर आए, खैर सलामती। तो दुआ करनी है आप सब ने हमारी गाड़ी जो है जल्दी बन जाए और ओके जो है यहाँ से वहाँ से जो है घर तक बिल्कुल सही आए, कोई परेशानी ना हो। तो अभी काटते हैं, बेबो भी आया हुआ है। बेबो क्या हाल है अभी, ऐसी अब कैसी है? बहुत अच्छी। अभी क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? अच्छा, किसको ढूंढ रहे हो? इस्लामुद्दीन को। इस्लामुद्दीन तो मेरे ख्याल उधर है, वो जैनब होनी के घर, मेहरान वालों के घर, उधर देखा है? फिर देख लेना, वो वसीम के साथ होगा, वसीम और वो एक साथ खेल रहे थे, या वसीम वालों के घर होगा और जा उधर होंगे आपके चाचू के घर, तो ठीक है उधर देख लेना, ठीक है? हाँ, तो अभी देर नहीं करते क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, इनको बनने में जो है काफ़ी टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी काटते हैं। सब्जी जो है मैंने काट ली है और रो भी रही हूँ साथ साथ, क्योंकि प्याज काटे हैं, प्याज जो है ना रुला देते हैं इंसान को, एक ऐसी चीज़ है जो खुद काटने पर इंसान खुद रो पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक, ये हैं कद्दू, तो काट लिए हैं मैंने। अभी जल्दी बनाने हैं। हाँ जी, इसे अभी इधर रख देती हूँ, सामान जो है इकट्ठा कर लेती हूँ, बाद में फिर मैं ये ले जाऊँगी। इसे भी रख देती हूँ इधर, और इधर से उठाती हूँ लाल मिर्च,
और मुझे लगता है घी नमक ये चीज़ें जो है बाहर है। मौसम देखें कितनी प्यारा प्यारा है, ये देखें कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है। मुझे लगता है मेरी आँख में ना कवीली जा रही है, तो मैं शीशे के आगे देख लूँ शीशे के सामने क्या है। ऐसे तो नजर नहीं आती कुछ भी चीज, चीज लेनी है। अच्छा अभी देती हूँ। तो सामान इकट्ठा करके ये देखें कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, घी नमक मिर्चें हर चीज। तो उधर से जो है कढ़ाई और चम्मच उठाने हैं। हाँ जी सामान जो है इकट्ठा कर लिया है। अभी बनाती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि टाइम भी 12 हो चुकी है। चूल्हा जल चुका है, कढ़ाई रख चुकी है। तो जब तक कढ़ाई गर्म होती है हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। घी डाल दिया है, घी गर्म हो चुका है। अभी डाल रही हूँ मैं मसाला। हमारा मसाला जो है कुछ फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो वो डालते हैं, इधर ख्याल से देख के करना, आगे हाथ नहीं देना ठीक है। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने, मुझे दिखाओ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी देर इसे दम पे लगा देते हैं ताकि ये जो हमारे टमाटर और प्याज हैं ये अच्छी तरीके गल जाए। मसाला जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अभी डालती हूँ मैं लाल मिर्च और नमक। ये है नमक और ये है लाल मिर्च। मिर्च और नमक डाल दिया है, ये देखें अभी इसकी भुनाई हो रही है। थोड़ी देर दम पे लगा देते हैं, तो जब ये इनकी भुनाई हो जाएगी फिर हम इसमें कद्दू डाल देंगे। कद्दू भी मैंने धो के रख दिए हैं तो वो डालेंगे और फिर उसे दम पे खड़ा देंगे। मसाला हमारा भुनाई हो चुका है, तो अभी डालती हूँ मैं कद्दू। कितनी
तरीके मैंने मिक्स कर लिए हैं, तो अभी इसे दम पे लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अपना पानी छोड़ेंगे, फिर उसमें जो है कुछ नरम हो जाएंगे, फिर देखेंगे अगर सख्त हैं कोई तो और पानी डालेंगे और ये जो है बन जाएंगे। अगर देखेंगे ये अपने ही पानी में जो है ये नरम हो गए हैं, गल गए हैं, तो और पानी ही नहीं डालेंगे। तो वैसे भी इनका पानी जो होता है ना वो थोड़ा जो है अपना छोड़ते हैं पानी थोड़ा सा, जैसे घी तूरी छोड़ती है इतने ज़्यादा पानी, तो वो उतना पानी नहीं छोड़ते, लेकिन ये थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं जो जल्दी ही सूख जाता है और पानी डालना पड़ता है। तो देखेंगे कि क्या करना है। तो अभी जो है लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जो नई रेत आई है ये देखें, हमारे दरवाजे के आगे रख दी है, तो हमने मिस्त्रियों से बोला है कि पहले जो है इधर से उठा लें ताकि ये रास्ता हमारा जो है आने जाने का ये खोल जाए। तो ये देखें यहाँ से दरवाज़ा भी नहीं वो होता खुलता, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, आप देखें। अब अगर ऐसे दरवाज़ा बंद करें ना तो इधर दरवाज़ा बंद नहीं होता, ये सारी रेत आई हुई है, और इधर से यहाँ ये छोटा सा रास्ता है थोड़ा सा, और फिर इधर सारी रेत है। तो हमने बोला है कि उधर से उठाने से पहले इधर से आप उठाएं ताकि ये हमारा रास्ता जो है ये सही साफ़ हो जाए, और इधर जो है हमारी गाड़ी खड़ी होती है, इधर तक ये गाड़ी होती है, फिर आगे कैसे यहाँ से गुजरेंगे। जब तक हमारा सालन तैयार होता है तो हम जो है लस्सी बना लेते हैं। रात को जो मैंने दूध जमा के रखा था, तो अभी लस्सी बनाते हैं, और वो भी आपको दिखाते हैं कि हम लस्सी कैसे बनाते हैं। वैसे तो बहुत ढेरों चीज़ें होती हैं लस्सी बनाने के लिए। हाँ जी, और क्या? और जो लंबी होके हो गई गई, और दूध बनाया था, और जो छोटी हो लंबी होके है वो भी। हाँ जी, तो ढेरों तरीके होते हैं हर लस्सी बनाने के। कोई मिट्टी में बनाता है, कोई बाल्टी में बनाता है, कोई बोतल में, कोई ऐसे जूसर मशीन जो होती है उसमें बनाते हैं, लेकिन मैं जो है बोतल में बनाऊंगी क्योंकि बोतल में ही मैंने दूध जमा के रखा था फ्रिज में। तो अभी चलकर देखते हैं कि वो जमा है या नहीं, लस्सी सही बनती है या नहीं बनती। अभी जो है मैं दूध लेके आ चुकी हूँ, ये देखें ये है दूध, इसकी अभी बनाऊँगी मैं ऐसे लस्सी। तो अच्छी तरीके से हला हला के जो है ना ये फिर बन जाएगी लस्सी हमारी। तो लस्सी बनाते हैं, और सालन में जो है कद्दू का पानी जो सूख गया था फिर मैंने और डाल दिया है, वो अभी बन रहा है, थोड़ी सी उसे दे रहा है वो भी बन जाता है, और फिर हमारी लस्सी भी बन जाएगी। अल्लाह, खाना तैयार हो चुका है, चीज़ें सब इकट्ठी कर ली हैं। अभी जो है मैं मिस्त्रियों के लिए डालती हूँ करले में, और रोटियाँ भी रखती हूँ, तो सबको देती हूँ। माशाल्लाह रोटी जो है मैंने डाल दी है, अभी दे देते हैं, इंतजार नहीं करवाते। और तो रोटी भी दे दी है, रोटी जो है मैंने रख दी है, एक रोटी, थोड़ा सालन। इस्लामुद्दीन जाओ दादी अम्मा को देकर आओ। नूर मोहम्मद आपने खानी है? बैठे रहो, आपको मैं नहीं दूंगी, आप रोते रहो। मुश्तावर आपने खानी है रोटी? जी। चलो आ जाओ, हाथ धो के आओ। हैदर इधर आओ, खाना खाना है? हाँ। रोटी खाना है? किस चीज से खाना है? काका के साथ। अच्छा, कितनी भूख लगी है? बहुत सारी। ये क्या लगाया हुआ है गाल पे?
क्या लगाया हुआ है? मेहंदी। किसने लगाई है? किसने लगाई है? आप ही ने। ये ऐसे ऐसे मेहंदी लगा ली। देखो सब ने मेहंदी लगा दी। लड़के तो मेहंदी नहीं लगाते, फिर आपने क्यों लगाई है? हैदर हैदर इधर देखो, बख्तावर अभी से रख दो, खाना खा लो, नहीं तो हैदर अली ऐसे कपड़े सारे गंदे कर देगा। अभी लस्सी जो है हमारी ये देखे रखी है, तो मैं बना रही हूँ, इसमें नमक नहीं डालूंगी, इसे मैंने बनाई है कच्ची लस्सी, इसमें चीनी डालूंगी। ओए लस्सी नहीं बनी। हाँ जो कच्ची लस्सी होती है ना वो वैसे ही होती है, दूध वाली होती है, तो चीनी मैं लेके आई हूँ, अभी इसमें डालते हैं और फिर मिक्स करते हैं। हैदर क्या पियोगे? दूध। दूध पियोगे? मीठा मीठा? हाँ जी हाँ जी जी। पिलावा ते कूं ब्याह वे। अच्छा इधर पकड़ो, डालो इसमें थोड़ा सा। हाँ बस अब पियो। हाँ जी नहीं पीनी, चलो आप पी लो। रोटी के साथ खानी है? अच्छा और देती हूँ, बैठो। मुझे और किसी के मुंशी साहब आपको चाहिए? नहीं चाहिए, बस बस, बस? हाँ जी आपने भी पहली रोटी खा ली, चलो अच्छा हुआ कि आज पहली रोटी खा ली। हाँ जी सबने खा लिए, सबने। अब बस है अब एक मिनट देती हूँ। हैदर अली बस है? पूछो काके से, पूछो। कहती है नहीं पीना, काके से पूछो, बोलो अख दूध पीना है? वो भी पीना है? अच्छा खेलना ही है दर। क्या है? चॉकलेट, आइसक्रीम, आइसक्रीम। हाँ जी खाओ खाओ, वो देख गिरा दी बतावर। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है खा लिया दोपहर का, तो अभी 3 का टाइम हो चुका है, तो 3 बजे जो है चाय बनानी होती है और मिस्त्रियों को देनी होती है, तो अभी चाय बनाने लगी हूँ मैं। चाय बनाती हूँ और मिस्त्रियों को देती हूँ। ये देखें सामान भी मैं ले आई हूँ, और ये है दूध, दूध भी लेके आ चुकी हूँ, और ये देखें कप। तो चाय बनाते हैं और फिर जो है ना देते हैं, तो आपसे शेयर करूँगी। ये देखें मेरे कपड़े खड़े हैं शिलिंग होकर, ये वाले ये वही हैं जो सोबिया फरमान वालों ने मुझे गिफ्ट दिया था, और दूसरा भी है इसके साथ वो छुपा खड़ा है। अभी ये शिलिंग होकर खड़े हैं, ये भाभी नादिया जो है सिलाई करेगी, जो है ऊपर चढ़ा दिया है, चूल्हा जल चुका है। ये लाचियाँ भी बने आज, अभी पहले डाल दिए हैं।
हर वक्त भूल जाती हूँ, पहले नहीं डालती तो पीछे बाद में डालती हूँ, लेकिन अभी जो है सबसे पहले पहले मैंने डाल दिया है, याद आ गई थी तो इसीलिए सबसे पहले पहले जो है मैंने डाल दिया। तो हमारा व्लॉग भी हो चुका है मुकम्मल, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।